नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस यूट्यूब के वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन तमाम मदर टीचर्स के ऊपर, समराइज्ड मदर टीचर्स, जो भी मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है, कुछ कहा है, कुछ कमेंट्स में कहा है, कुछ लाइव सेशन में मैंने कहा है, वो तमाम मदर टीचर्स अलग अलग तरह के डिजीज के लिए जो काम करते हैं, वो तमाम मदर टीचर्स मैंने समराइज करके एक जगह पर उपस्थित किया हूँ स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो और याद रह जाए। पूरा उसका डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया है, ये तमाम स्लाइड्स आप देख लीजिए और याद कर लीजिए, आपके बिल्कुल काम में आएगा। ये मदर टीचर्स आपको मदद करने वाली है उन तमाम डिजीज के लिए जिससे आप एलोपैथी का सेवन करना चाहते हैं इमिडिएट रिजल्ट के लिए, लेकिन अगर आप इन मदर टीचर्स का ये यूज करेंगे तो आपको एलोपैथी का सहारा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक मदर टीचर्स के बारे में मैंने बात किया है जो आपकी बहुत काम में है। हो सके तो जरूर आप अगर इन बीमारियों से सफर कर रहे हैं तो ये मदर टीचर्स अपने घर में लाकर जरूर रखिए, आपकी जान बचा सकती है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए पूरे स्लाइड्स, मन ध्यान देकर पूरे दिल से देखिए सारे स्लाइड्स को, जरूर आपके काम में आएगा। एंड कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोस, जितने भी स्लाइड्स हैं ये वीडियोस हैं आपके लिए जरूर काम में आएगा। आप स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अपने घर वालों को या खुद अपने ऊपर कोई मेडिसिन जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबके लिए कारगर साबित है ये वीडियो, जरूर देखिए और ध्यान से देखिए। धन्यवाद, कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं ये सबसे टॉप होम्योपैथिक मदर टीचर्स जो आज हम देखने वाले हैं समराइज जितने भी मेरे सारे वीडियोस के, और शुरुआत करते हैं ये टॉप होम्योपैथिक मदर टीचर्स, गौर से सुनिएगा जो भी मदर टीचर्स के बारे में और उनके जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिजीज उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है चेलिडोनियम कार्डस मेरानस, ये दोनों खास दवाइयाँ होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लीवर प्रॉब्लम की वजह से, और सिरोसिस ऑफ द लीवर हो, जॉन्डिस हो, हेपाटाइटिस ए हो, बी, सी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको बहुत ही जल्दी और बेहतरीन तरीके से काम करेगा एज कम्पेयर टू द एलोपैथिक मेडिसिन। बहुत ही बढ़िया ये इफेक्टिव मेडिसिन है, इनको आपको मिलाकर 10 से 15 बार दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फायदा करेगा पानी के साथ, और ये खाने से पहले आप ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी असर करेगा जितने भी लीवर के प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ मैंने जो टॉप 5 कॉम्बिनेशन बोला था लीवर का, जो और 3 मेडिसिन हैं जियोनथस कार्डस मेरानस के साथ चेलिडोनियम के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो कालमेक एंड हाइड्रास्टिस भी बोला था, वो अगर आपका कोई गैस्ट्रोएंट्रिक कोई डिजीज है तो आप वो एडिशनली मिला सकते हैं। तो किंतु बेसिकली ये चेलिडोनियम कार्डस मेरानस दो स्पेसिफिक होते हैं लीवर प्रॉब्लम्स के लिए, ओनली लीवर प्रॉब्लम्स। अगर आपको सिर्फ लीवर के प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि फैटी लीवर, सिरोसिस, ये सब हुआ, एडिशनली अगर हो तो आप दूसरे भी मिला सकते हैं। अगला जो स्लाइड है एजिनफोलिया, मैंने इसके बारे में भी पहले बात कर ली थी, जितने भी तरह के डायरिया, डिसेंट्री, ब्लीडिंग पैच होते हैं उन सबके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है एजिनफोलिया मदर टीचर। 10 से 15 बूंद हर 2 2 3 3 घंटे में आप ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी काम करेगा और एलोपैथी के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कुर्ची क्यू, एमोबिक डिसेंट्री के लिए टॉप मोस्ट काम करता है, जहां पर भी आपको एमोबिक डिसेंट्री का अगर टेस्ट के दौरान आपको पता चले तो कुर्ची क्यू आप 10 से 15 बूंद हर 2 2 3 3 घंटे में ले सकते हैं, बहुत ही क्विकली रिलीफ मिलेगा आपको पानी के साथ। अगला है बेसिलरी डिसेंट्री, जो भी मतलब इकोलाई बैक्टीरिया और दूसरे बेसिलस के तौर पर जो डिसेंट्री होता है, जो डायरिया के साथ साथ अगर खून आता है तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, तो उसके लिए चापरो अमेरगोसा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मदर टीचर आता है, उसको आप वैसे ही 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार 4 बार अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, एक्यूटनेस जितना आप ज़्यादा है उतना जल्दी जल्दी आप रिपीट कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे में पानी में मिलाकर 10 से 15 बूंद बहुत ही जल्दी रिलीफ करेगा बेसिलरी डिसेंट्री। अगला है क्रैटिकॉस मदर टिंचर, इसका भी मैंने जिक्र किया था, जो आप मैंने जो हार्ट का मैंने वीडियो बनाया था उसमें, बहुत ही मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट का टॉनिक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज मतलब जहां जो ब्लड वेसल्स खुद हार्ट को सप्लाई करते हैं उनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, तो उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो उसको ये क्लियर करता है और हार्ट को टॉनिक के रूप में मतलब उसको एनर्जी देता है, उसको टोन करता है, टॉनिक इसीलिए बोला जाता है कि वहां पर टोन करता है, मतलब उसको शक्ति प्रदान करता है, उसको पंपिंग करने में, कॉन्ट्रेक्शन करने में उसको शक्ति प्रदान करता है जो उसके मसल्स होते हैं,
कर्नाटका मदर नेचर वही इसी तरह 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर ले सकते हैं, पानी कितने भी आपका पानी में मिलाकर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला जो है अविनाश सटेवा, जनरल टॉनिक फॉर नर्व्स, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। नर्व जो स्नायु तंत्र होते हैं बॉडी के, किसी भी तरह का जगह के स्नायु तंत्र अगर वो वीक पड़ जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां आती हैं, रिमाटोइड आर्थराइटिस से लेकर आपके साइटिका पेन से लेकर हाथों और पैरों की झंझनाहट होना, नंबनेस हो जाना, ये जितना भी तरह का जो नर्व से जुड़ी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम के लिए अवेलेबल है। वह बहुत ही बढ़िया टॉनिक के रूप में काम करता है, उनको टोन अप करता है नर्व्स को, और आप इसको 10 से 15 बूंद 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगला जो है अल्फा अल्फा क्यू, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जनरल टॉनिक है, एपिटाइजर भी है, फैट प्रोड्यूसर भी है, मतलब तीनों तरीके से काम करता है, बॉडी को टोन अप भी करता है, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त भी बनाकर रखता है, और फैट प्रोड्यूस करता है, मतलब बॉडी के जिनका वेट कम रहता है तो उनको भी वेट बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसके साथ साथ भूख भी बढ़ाता है। जो लोग बच्चे बोलते हैं कि हम बड़े बोलते हैं हमें भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, तो उनके लिए भूख भी बढ़ाने का काम करती है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। 20 बूंद दिन में 2 बार या 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार पानी में मिलाकर ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करेगा अल्फा अल्फा की। एस्पिडोस्पर्मा क्यू, इसका भी मैंने अस्थमा वाले वीडियो में बताया है, ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करता है, मतलब ये ऑक्सीजन प्रदान करती है, जो हमारे लंग्स के जो ब्लॉकेज होते हैं, सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करते हैं, वहां पर अगर कोई ब्लॉकेज रहती है तो बहुत ही मतलब सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो आप बिल्कुल एस्पिडोस्पर्मा दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा उसको, और जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं, जो हमारे लंग्स के फेफड़ों के टिश्यूज होते हैं, उनको शक्ति प्रदान करती है एस्पिडोस्पर्मा की। ब्लाटा ओरिएंटलिस आपको पता होगा, ठीक उसी तरह ब्रोंकाइटिस के लिए ये मैंने कॉम्बिनेशन के रूप में बताया था, ब्लाटा एस्पिडोस्पर्मा अरालिया ग्रिंडेलिया नोबेलिया ये सब, तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, ये भी एक तरह का जो ब्रोंकाइटिस अस्थमा के लिए बेहतरीन दिया जाता है, जो उसके जो जो आर्टरीज वेन्स होते हैं जो उनको ब्लॉकेज होती है वो दूर करती है, और प्रॉपर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है फेफड़ों के जो एल्वियोली होते हैं उनके और ब्लड वेसल्स में अंदर, उनमें बहुत ही शक्ति प्रदान करती है, उनको मदद करती है कि ठीक से वो आदान प्रदान हो सके, और इस तरह से वो रिलीफ करती है ब्रोंकाइटिस अस्थमा के लिए, खास करके ये जब अस्थमा उसके साथ साथ जो खांसी होती है जो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो उसमें बहुत ही जल्दी रिलीफ करता है, 10 से 15 दिन में 3 3 4 4 बार आप देख सकते हैं थोड़े गुनगुने पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगला है आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ ट्रिलियम पेंडुलम फ्रैक्शनस अमेरिकाना, ये मैंने जो यूटर्न ब्लीडिंग के लिए बोला था अपने जो गायनिक वाले वीडियो में, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा यूटर्न ब्लीडिंग होते हो, फिर उसके साथ साथ लोअर एब्डोमिन में पेन होना, ये सब इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, अंदरूनी कोई फाइब्रॉइड यूट्रस हो तो उसके वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल आप दोनों को मिलाकर 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं पानी में, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा, और उसके ठीक अगले भाग में काम करेगा कि हेमामेलिस और मेलिफेरम, ये भी ब्लीडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब ब्लीडिंग ऑफ एनी काइंड लिखा है, मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो, यूट्रस ब्लीडिंग हो नाक से और दूसरी जगह पर कहीं पर भी ब्लीडिंग हो पाइल्स के जैसा, तो बिल्कुल आपको बढ़िया काम करेगा, दोनों को मिक्स करना है और 20 दिन 2 2 3 3 घंटे के इंटरवल में आपको जल्दी जल्दी देना है, और पानी में मिलाकर मतलब ये क्विकली ब्लड को रिड्यूस करने में काम मदद करेगा, जो भी आर्टरीज फट जाते हैं वेन्स फट जाते हैं अंदर, तो उनको ये रिपेयर करता है और ब्लड को फ्लो होने से रोकता है। अगला जो स्लाइड देखेंगे हाइड्रास्टिस क्यू, डिस्पेप्सिया जीआई अल्सर्स लिवर प्रॉब्लम, तीनों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। डिस्पेप्सिया मतलब कुछ भी खाओ हजम नहीं होता ठीक से, और जिनको जीआई अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत रहती है, ड्यूरल अल्सर की शिकायत रहती है, तो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है हाइड्रास्टिस क्यू, और लिवर प्रॉब्लम के लिए भी, लिवर के कैंसर के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है हाइड्रास्टिस क्यू, आप उसको 10 से 15 दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन है। और अगला जो स्लाइड आप देखने वाले हैं वो है बर्बरिस वुलगरिस एंड हाइड्रेंजिया किडनी स्टोन के लिए, किडनी स्टोन वाले वीडियो में मैंने इनका डिटेल जिक्र किया है, दोनों को मिक्स करके आप 15 से 20 बूंद दिन में 2 बार पानी में मिलाकर दे सकते हैं 1 महीने, फिर आप रिपोर्ट करिए, अगर किडनी स्टोन का साइज आपका कम हो गया तो उसका डोज को भी आपको रिड्यूस कर देना है, बहुत ही बढ़िया काम करती है किडनी स्टोन के लिए। अगला है सरसाप्रीला क्यू, कॉम्प्लेंट रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के लिए स्पेशली रेनाल स्टोन में भी काम करता है, किडनी के जो भी मतलब जलन होती हो, जो आप यूरिन जाते हैं तो पेन होता है यूरेथ्रा में, और पेनिस में पेन होना जलन होना, तो इन सारे प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है सरसाप्रीला, ये कैंथरिस के साथ एसोसिएटेड करके दिया जा सकता है, तो
अगला है जेंटियाना लेटिया, एपिटाइजर इन चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों को भूख नहीं लगती, ठीक से खाते पीते नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है जेंटियाना लेटिया मदर टीचर। 10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, भूख बढ़ेगी बच्चों की और अच्छी तरह खाने पीने लगेंगे वो। अगला है जेंटियाना चिरेटा, इसके लिए मैंने जिक्र किया था जो हमारे फीवर वाले वीडियो में, उसमें क्रॉनिक फीवर ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी काम करता है और आप इसको 10 से 15 बूंद वैसे ही पानी में मिलाकर दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। अगला साइड है इचनेशिया की, ब्लड प्योरीफायर और एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। ब्लड प्योरीफायर वाले वीडियो में मैंने 2-3 जो मदर टीचर्स होते हैं उनको मिक्स करके कैसे यूज करें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने देखा नहीं वो देख सकते हैं। बिल्कुल इचनेशिया की बहुत ही बढ़िया काम करता है ब्लड प्योरीफायर के रूप में। एंटीसेप्टिक बॉडी में कहीं भी कोई भी मतलब सूजन हो और पॉइजन का जो इफेक्ट हो तो भी ये इसको एंटीडोट कर सकता है। अगला जो स्लाइड देख लेते हैं, कैलेंडुला की, एंटीसेप्टिक फॉर ओपन वुंड्स, कहीं पर भी फट गया हो कट गया हो तो बाहर वो मतलब ओपन वुंड्स वहां से खून रिस रहा हो तो उसको सुखाने के लिए और उसको जल्दी भरने के लिए कैलेंडुला मदर नेचर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआती दौर में बहुत ही जल्दी ये उसको रिकवर कर लेगा। अगला जो स्लाइड है पसिफ्लोरा की, इंसोमनिया के लिए एक ट्रैंक्विलाइजर के रूप में काम करता है, मतलब जिनको भी किसी भी तरह से नर्वस इरिटेशन के रूप में या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम के अचानक दिमाग में कुछ कुछ तरह का ख्याल आते हैं तो उनको रात रात में नींद नहीं आती, और बहुत सारे लोग इसमें एलोपैथी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्लोनाजिपाम और दूसरे मतलब क्या क्या न जाने नींद की जो गोलियां लेकर वो अल्प्राजोलोम ये सब लेकर सोते हैं, लेकिन फिर भी उनको नींद प्रॉपरली नहीं आती क्योंकि वो सब नशे में घूमते रहते हैं, नींद प्रॉपरली नहीं आती। तो वहां पर मदद करेगा पासिफ्लोरा क्यू, आपको 30 से 40 बूंद दिन में 3 बार शाम को 6 बजे 8 बजे 10 बजे लेना है, थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर बढ़िया नींद मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ अब आपको कॉफिया क्यूडा और सल्फर भी लेना है एज ए इंटर करेंट रेमेडी, ये मैंने अपने इंसोमनिया वाले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं डिटेल्स में। अगला जो स्लाइड देखेंगे एकालिफा इंडिका, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था जो पुलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, फेफड़ों का जो टीबी होता है उसके लिए बेहतरीन मदर जो ये मदर टीचर है, ब्लीडिंग होती है मुंह से खांसी के वक्त खून आता है, तो ये जितने भी सिम्टम्स आपको पता चले तो बिल्कुल एकालिफा इंडिका दीजिए 15 से 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार दीजिए, थोड़े पानी में मिलाकर बढ़िया काम करेगा एकालिफा इंडिका। तो यह है जावरानी मदर टीचर, मैंने जिक्र किया था इसका, तो बहुत ही जल्दी आपको मदद करेगा जितने भी मतलब हेयर के प्रॉब्लम्स हैं, नया हेयर ग्रोथ नहीं होता और बहुत ही डैंड्रफ होता है, तो उनके लिए आप इसको पानी में मिलाकर लगा सकते हैं 20 बूंद करके रोज रात को, बहुत ही ग्रोथ करने के लिए मदद करेगा आपकी जावरानी की। और इसको एसोसिएटेड आर्निका के साथ भी आप लगा सकते हैं, ये आर्निका मदर टीचर्स अभी नेक्स्ट स्लाइड हम देखने वाले हैं कि हेयर लॉस कंट्रोल और न्यू हेयर ग्रोथ, जबरानी और आर्निका मैंने दोनों को मिक्स करके लगाने के लिए भी कहा है कुछ कुछ वीडियो में, तो आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ये पेन रिलीफ के लिए भी काम करता है, अगर इंटरनल इंजरी हो रिमाटिज्म हो इन जैसे प्रॉब्लम के लिए बहुत ही मदद करती है, पानी में मिलाकर आपको बालों में लगा सकते हैं या फिर जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा आर्निका मोन्टाना मदर टिंचर। अगला जो स्लाइड हम देखने वाले हैं वो है एलेट्रिस फेरिनोजा ल्यूकोरिया विथ मच वीकनेस, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, औरतों को और लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है ये एलेट्रिस फेरिनोजा मदर टिंचर। पानी में मिलाकर 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार लीजिए, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही वीकनेस होनी चाहिए वहाँ पर। अगला है भाइब्रोनम ओपल, उसका मदर टिंचर पेनफुल मेंसेस, जो मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमिनल में पेन होना, पेट में मरोड़ होना, ये सारी शिकायतों के लिए भाइब्रोनम बहुत ही बढ़िया काम करती है, आपको 10 से 15 बूंद 20 बूंद और 2-2 3-3 घंटे में ले सकते हैं एक्यूट वाले कंडीशन में। अगला जो है दामियाना एसिनफोर्स क्यू, गैंगबिनम क्यू और अश्वगंधा क्यू, ये सेक्सुअल वीकनेस में बहुत ही मददगार साबित होती है, इसका भी मैंने जिक्र किया था, बहुत सारे जो लोगों का सवाल था लाइव सेशन वाले वीडियोस में, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं सबको मिलाकर 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में, बहुत ही बढ़िया काम करेगा और बिल्कुल आप ले सकते हैं लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीने, जैसे ही आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिले आप उसका डोज रिड्यूस कर देना है। अगला जो स्लाइड है प्लांटागो क्यू, लोकल एप्लीकेशन इन द टूथ पेन एंड काउंसलिंग, बहुत ही मतलब स्पेसिफिक मेडिसिन है, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा टूथपेस्ट में भी यूज होता है प्लांटागो क्यू। मदर टीचर्स को डायरेक्टली आप रुई से दांत के मसूड़ों में या दांत में अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आपके दांत के दर्द में आपको रिलीफ मिलेगा। और मुलेनियल ऑयल, इसका भी मदर टिंचर आता है या फिर ऑयल के रूप में ड्रॉप के रूप में भी आता है, आप इसको कान में डालने से
जो भी कान का समस्या है, आपको बहुत जल्दी दर्द हो, इंटरनल ओटाइटिस मीडिया हो, इंटरनल सूजन हो, कहीं पर भी हो, कान का प्रॉब्लम है, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। आपको रोज रात को इसको डालना पड़ेगा दो दो बूंद करके। अगला है टेस्करा संग्रेला क्यू, क्विक रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। इसके बारे में मैंने कितनी बार न जाने डिस्कशन किया है, जितने भी कॉन्स्टिपेशन के लोगों ने सवाल पूछा है, टेस्करा संग्रेला मदर टिंचर बहुत ही क्विकली रिलीफ करता है आपको। आपको कोई भी दूसरा लेक्सेटिव लेने की जरूरत नहीं है एलोपैथी की, उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप बिल्कुल ले सकते हैं कास्कारा सगराडा मदर टिंचर, 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार थोड़े पानी में मिलाकर, बहुत ही क्विकली आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलाएगा। और अगला है राल्फिया सर्पेंटिना टर्मिनल अर्जुना, ये आइडियल हेड टॉनिक और बीपी को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर राल्फिया तो बीपी को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन आपको राल्फिया के साथ अर्जुना भी मिलाना पड़ता है। ये मैंने बीपी वाले वीडियो में मैंने कहा है, दोनों को मिलाकर 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में लीजिए, क्विकली आपका बीपी चेक होगा और आहिस्ता आहिस्ता करके आपका डोज उसका रिड्यूस करना है, जैसे भी आपकी बीपी थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। और ये नेक्स्ट स्लाइड है अटिस्टा इंडिका, सीना, चिनोपोडियम, ड्यूक्रियम, ये चारों को मिलाकर आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी तरह के पेट में कीड़े होते हैं वर्म्स वाले समस्या में बहुत ही जल्दी मदद करता है। सबको मिलाकर 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी क्विकली रिलीफ करेगा हर तरह के कीड़ों की समस्या के लिए। अगला जो स्लाइड है बर्बर शकोफिलम क्यू, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम स्पेशली एक्नी एंड पिंपल्स, मतलब जो लोगों को एक्नी और पिंपल्स होता है किसी भी तरह का क्यों ना हो, बहुत सारा धब्बा फॉर्मेशन वाली, सूजन वाली, लाल लाल दाने वाली और छूने से दर्द सेंसिटिव वाली, तो इतने भी सारे के पिंपल्स और एक्नी होते हैं, बड़े छोटे हर तरह के लिए काम करता है बर्बर शकोफिलम। उनके जो सूजन होते हैं इंटरनली उनको रिड्यूस करने में मदद करती है। आप इसको दिन में 2 बार लगा सकते हैं थोड़े पानी में मिलाकर, 5 बूंद मेडिसिन को 10 बूंद पानी में मिलाकर रोज दिन में सुबह 1 बार रात को 1 बार लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ खाना भी है दूसरे मेडिसिन जो मैंने अपने एक्नी और पिंपल्स वाले वीडियो में कहा है। अगला है बाप्टिसिया क्यू, टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है, 10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं पानी में मिलाकर, जो भी टाइफाइड का जो एक्यूट कंडीशन है उसमें जल्दी रिलीफ दिलाएगा आपको। अगला है सियोमेंथस क्यू, एलार्ज स्प्लीन कालाजार के लिए, जो मतलब हमारी प्लीहा होती है, जो स्प्लीन होती है उसको, अगर उसको बोलते हैं कि ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ये मैंने डिस्कशन किया था अपने वीडियो में, मतलब जहां पर भी बॉडी में खून आरबीसी का जो डैमेज होता है, नष्ट होता है, यहाँ पर उसको रिकवर करने के लिए वो जाते हैं स्प्लिन में, और बहुत ज्यादा अगर डिस्ट्रक्शन होने लगे आरबीसी का तो स्प्लिन का जो हिस्सा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सियोनोथस क्यू आप बिल्कुल ले सकते हैं, 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार पानी में, क्विकली आपके स्प्लिन को ये ताकत प्रदान करेगा और काला जल में भी बहुत बढ़िया काम करता है। और अगला जो स्लाइड है कारिका पपाया मदर टिंचर होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है हर तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, पेट के सारे समस्याओं का समाधान करता है। एसोसिएटेडली आप दूसरे जो मदर टिंचर से या फिर पोटेंसी भी इसके साथ ले सकते हैं, 20 बूंद दिन में 2 बार पानी में मिलाकर कारिका पपाया मदर टिंचर, पपीते से बनता है ये। सिनोडोन एंड फिकस रिलीजियस है, ये भी ब्लीडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है हर तरह के ब्लीडिंग के लिए, जैसे कि आपने पहले हेमोमिलिस और मेलिफोलियम भी बताया था। और अगला जो है अरेलिया रेसिमोसा जस्टिशिया, ये मैंने बताया था कफ के लिए, हर तरह के कफ जो कि ड्राई हो, वेट हो और गले में खराट हो, सूजन हो, टिकलिंग सेंसेशन आता हो, इचिंग होता हो थ्रोट में, और उसके साथ साथ खांसी आती है, रात रात पर सो नहीं पाते, तो उन तमाम प्रॉब्लम के लिए अरेलिया रेसिमोसा जस्टिशिया दोनों को मिलाइए 10 बूंद दिन में, 3 3 4 4 घंटे में भी ले सकते हैं, थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर बढ़िया रिलीफ देगा आपको। अगला जो है सीजियम जामोलिनम और जिमनला सिल्वेस्ट्रा, ये दोनों मदर टिंचर्स के बारे में मैंने बात की थी अपने डायबिटीज वाले वीडियो में, आप इनको ले सकते हैं फिर देखेंगे। और अब जो शुगर का रेगुलरली चेकअप कराइए, रेगुलरली चेकअप करवाने के बाद अगर आपका रिड्यूस हो गया तो उसका भी डोज को आपको रिड्यूस करना है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप इंसुलिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो उसके ऊपर डोज फिक्स होता है। मेरे जो डायबिटीज वाला वीडियो आप अच्छी तरह देख लीजिए, 20 से 22 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, तो आपके लिए सहूलियत के लिए हर तरह का जो डाउट्स होता है आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही मददगार साबित होगी ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। एक दिन में आपका कंट्रोल हो सकता है अगर आपने इंसुलिन ना लिया हो तो। बिल्कुल, तो ये कुछ मदर टीचर्स थे, बहुत ही आपके लिए कारगर साबित हो गए। क्विकली रिव्यू के लिए मैंने ये सारे मदर टीचर्स को एक जगह पर सम अप करवाया, अच्छी तरह इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस और वीडियोस को देखते रहिए शुरुआत से अंत तक, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी जगह पर जरूर मदद करेगी ये वीडियोस।
बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, किसी की जान बचा सकती है वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड डे टू ऑल।